नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड। मीरा भाईंदर, मीरा भाईंदर शहर में आपसी भाईचारे की और मजबूत बने, यहाँ पर हिंदू मुसलमान में एकता का बढ़ावा और ज्यादा हो, इसी के चलते आज कांग्रेस के सीनियर लीडर मुजफ्फर हुसैन ने शम्स मस्जिद में कई सारी हिंदू समाज की सामाजिक संस्थाओं के लोगों को बुलाकर इस मस्जिद के बारे में जानकारी दी, इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी दी, उन्हें नमाज क्या होती है, रोज़ा क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और इस मस्जिद में और कैसे इसे बनाया गया है, इसमें गुंबद क्यों होता है, इसमें जो मस्जिद में जो श्लोक लगे हैं, जो लगाए गए हैं, उसके क्या मायने हैं, उन सब बातों पर उन्होंने जानकारी देते हुए इन गैर मुस्लिम भाइयों को आपसी एकता और भाईचारे की क्या संदेशा देते हुए एक बड़ा काम किया है। इस संदर्भ में हमने कुछ लोगों से बात की, जो लोग यहाँ पर आए थे उनका क्या कहना है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरा नाम हरेश शाह है, मैं शांतिनगर जैन संघ का ट्रस्टी हूँ, सेक्टर 3 मीरा रोड। यहाँ आके हमको जो देखा कि जैसा मस्जिद में फर्स्ट टाइम ही आया हूँ, लेकिन देखा तो मंदिर और मस्जिद में मेरे को तो कुछ ज़्यादा डिफरेंट लगा नहीं। हमने तो वैसे भी मुजफ्फर सेठ से मेरा 35 साल का रिलेशन है, मैंने तो मीरा में जब भी मुजफ्फर सेठ से बात हुआ है शांति रखने की बात हुई है, दूसरा कुछ मैंने तो ऐसा माहौल देखा भी नहीं है। बोलने वाली चीज अलग चीज है, अपन आवे और देखे तो ऐसा कोई चीज मेरे को ध्यान में नहीं आया कि असामाजिक तत्व रहे या रहे, बाहर बुमाबूम हो रही है असामाजिक तत्व है, लेकिन हमने तो वैसा भी नया नगर और मुजफ्फर सेठ से रिलेशन है तो हमने तो मीराड़ में अशांति जैसा देखा ही नहीं। मेरे मंदिर में मुजफ्फर सेठ साल में कम से कम 3-4 बार आते हैं, और जब भी इनवाइट किया आते, और जो दूसरा कोई चीज़ देखे तो हमने तो ऐसा कुछ यहाँ आके देखा नहीं। मेरा पूरा नाम विनोद अय्यर है, मैं आज जामा मस्जिद में आया हूँ, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे निमंत्रण दिया गया है। ये हम सभी का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है एक मस्जिद में आना, और साहेब हमको अंदर लेके गए, सारे चीज़ क्या है, साइंटिफिकली क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ हमें बताया। बहुत ही एक्सपीरियंस अलग ही था, मतलब सीखने बहुत कुछ मिला। एंड मुजफ्फर सर जो है, बहुत साल से हमने देखा है उनका प्रोग्रेस और उनका ग्रोथ और उनका जो काम किया हुआ है, जो मीरा रोड में स्टार्ट से जो काम किया हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि बाकी लोग ने काम नहीं किया है, सबने बहुत सारा काम किया है, मगर मुजफ्फर भाई जो काम किए हैं यहाँ पर, ट्रेमेंडस ग्रोथ मीरा रोड का जो प्रोग्रेस हुआ है मेजरली, वो मुजफ्फर साहिब के वजह से हुआ है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हिम। ऐसे मीरा रोड रहवासी मैं कहना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़े और आगे बढ़े, हमारे सपोर्ट हमारा जो है सब कुछ उनके साथ में है, हमेशा रहेगा। मैं हरिदास शिरके, ये सब गलत है, और क्या है ये जब कुछ है वो रूमर उठाते खाली पुकट, यानी दूसरों का मन बिगाड़ने के एक अलग लोग का कुछ काम करते, जो इंसान इंसान से प्यार करे वो नहीं सोचते, इंसान इंसान से दुश्मन हो जाए ऐसे सोचने वाले लोग हैं, उनकी सोच है वो। जो इंसान इंसान से प्यार करेगा वो ये सोच नहीं रखेगा। और मुजफ्फर साहब एक ऐसी व्यक्ति है कि मैं 1986 से उनको जानता हूँ, मैं 1986 से शांतिनगर में रहता हूँ, उन्होंने हमें सब लोग को साथ में लेके, सबका साथ विकास होना चाहिए, वो मुजफ्फर साहब कर रहे हैं, बाकी कोई नहीं कर रहा है। ये मीरा रोड का जो डेवलपमेंट है, मीरा रोड जितनी खूबसूरत हो गई है, इसका कारण है खाली मुजफ्फर साहब। मैं सानकवासी जैन समाज से जुड़ा हूँ, दीपक जुबलिया नाम है मेरा। मस्जिद में आके हमको जो हमारा उपवास रखते हैं वैसा ही हमको लगा, ये रोजा रखते हैं। हमारा उपवास सुबह छूटता है, रात शाम को छूटता है, और जैसा हमारे में भी प्रार्थना करते हैं उपवास रखते हैं, वैसा भी मस्जिद में हम लोगों ने देखा कि नमाज पढ़ते हैं। सेठ ने हमको सब बताया, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और साहब का जो एक विज़न है कि सर्वधर्म संभव मीरा भाईंदर के लिए, उसकी हम तारीफ करते हैं, और हम हर बार कभी भी हमारा फंक्शन रहता है तो साहब को बुलाते हैं, और हमको भी अच्छा लगता है, उसका मार्गदर्शन हमको भी अच्छा मिलता है। आज मैं अंदर गया, मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसा हमारे में प्रार्थना करते हैं वैसा ये नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लगा। अंदर से मस्जिद कैसी होती है ये आज इन हिंदू भाइयों को पता चला, जिन्होंने आज खुद जाकर देखा इस्लाम क्या होता है, रोज़ा क्या होता है, नमाज क्या होती है, इसकी भी जानकारी उन्होंने हासिल की। इसी के साथ साथ में सैयद मुजफ्फर हुसैन ने बताया कि रमज़ान का मुबारक महीना है, और इसीलिए मीरा भाईंदर शहर के जो हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जो मुझे अक्सर मंदिरों में
मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बुलाते हैं, दावत देते हैं, तो आज हमने भी उनको जामे मस्जिद अल शम्स में रमज़ान के इस मुबारक महीने में उनको दावत दी और उनको मस्जिद बताई। और रमज़ान महीने के तौर तरीके, इबादत, कुरान, नमाज, वज़ू, ये जिसकी सारी साइंटिफिक रीजंस हैं, दिन में 5 बार वज़ू करना, आज जो ICMR ने कोविड के टाइम में लोगों को बताया कि आप हाथ धोइए, आँख धोइए, नाक धोइए, गला साफ़ कीजिए, पैर धोइए, सर साफ़ रखिए, तो ये वज़ू वही सारी चीज़ें सेम साइंटिफिक रीजंस से होती है। जो जाली वाली टोपी लेकर के अक्सर टिका टिप्पणी की जाती है कई लोगों की तरफ से और एक सामाजिक भावना भड़काने का काम किया जाता है, तो वो मैंने रीज़न बताया कि मुख्तलिफ राज्यों के अंदर टोपी फेटा ये पहनने का चलन, ये हिंदुस्तान का एक कल्चर है और इंसान को उसके जिस्म में सब में ज़्यादा अजीज़ कोई चीज़ है, दिन में 10 बार अगर वो चीज़ को संवारता है तो वह है अपना बाल। तो अल्लाह के घर में जाना, खुदा के घर में जाना, तो उसे ढाक करके जाना, हम खुदा को क्या दे सकते, इज्जत के अलावा दूसरा अपनी तरफ से हम कुछ नहीं दे सकते। तो खुदा के सामने जब हम जाते हैं तो सर ढाकते हैं। हमारे हिंदू संस्कृति में भी और मुस्लिम संस्कृति में भी, पूरे हिंदुस्तान में जब शादी ब्याह त्यौहार कोई फंक्शन होता है तो कोई मेहमान आता है तो उसको साफा पहनाया जाता है, उसको फेटा पहनाया जाता है। क्यों पहनाते हैं? इज्जत, रिस्पेक्ट देते हैं हम। तो जब आप खुदा के घर जाते हैं तो रिस्पेक्ट देना होता है। हिंदू तीर्थ स्थानों पर जाते हैं तो अपने बाल मुंडवाते हैं, हम मक्का मदीना जाते हैं हज करके आते हैं तो बाल मुंडवाते हैं। क्यों? क्योंकि इंसान के जिस्म की सब में अजीज चीज़ कोई है तो वो बाल है। तो हम खुदा को तो कुछ नहीं दे सकते, तो बस सिर्फ अपना मोहब्बत का इजहार हम इस तरह से करते हैं। ये बातें उनको बताई। कुरान शरीफ इंसाइक्लोपीडिया ऑन ह्यूमन लाइफ है, जिस तरह से बाइबल है, जिस तरह से सारे हिंदू धर्म ग्रंथ है, वेदास है, गीता है, रामायण है, ये जिंदगी किस तरह से जीना है, विष्णु के 10 अवतार लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम आए, कृष्ण आए, इन्होंने क्या किया, दुनिया को एक मैसेज दिया कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। कुरान शरीफ क्या है? इंसाइक्लोपीडिया ऑन ह्यूमन लाइफ है। तो सेम सारी चीज़ें हैं, मगर क्योंकि कुरान शरीफ अरेबिक में है तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसके तर्जुमा नहीं समझता, डेफिनेशन नहीं समझता। उसी तरह से हिंदू सारे ग्रंथ हमारे वेदास, रामायण, गीता, वो संस्कृत में, तो हिंदू उसके पूरे मायने नहीं समझता। तो दोनों समाज उसे पोपट की तरह रट्टा मारते हैं और ऐसा उनको लगता है कि अगर इस्लामिक कोई अजान हो रही है तो वो गलत हो रहा है, मुसलमान को लगता है मंदिर के घंटे बज रहे हैं, श्लोक पढ़े जा रहे हैं तो वो गलत हो रहा है, जबकि ये सारा मेडिटेशन है। दुनिया कब से बनी है इंसान को पता नहीं। हम 25-50 साल की ज़िंदगी में आते हैं और अपने आप को मज़हब के ठेकेदार के रूप में बताते हैं और ये मज़हब गलत है, वो मज़हब गलत है, इसके ऊपर हम फसादात करते हैं। तो इसीलिए आज मैं जिस तरह हर मंदिरों में जाता हूँ, उनके जलसों में जाता हूँ, उनके बयानात सुनता हूँ, तो इसीलिए हमने सोचा कि उनको भी यहाँ दावत दी जाए, बुलाया जाए, बताया जाए कि आप जिस तरह से श्रावण का उपवास करते हैं, ईस्टर में रोज़ा रखा जाता है, उपवास किया जाता है, मुसलमान रमज़ान में रोज़ा करता है, बेसिकली रोज़ा क्या है? अपने आप पे काबू रखना, दीन की तरफ मतलब इबादत करना और बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करना। आज कोविड में लोगों ने क्या किया, डॉक्टर ने क्या बताया, आज डॉक्टर्स के पास जाओ और मेडिकल लोगों के पास जाओ तो क्या कहते हैं कि 12 घंटे का इंटरमीडिएट फास्टिंग कीजिए। रोज़ा क्या है, उपवास क्या है, फास्टिंग क्या है, ये बेसिकली बॉडी के इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने का साइंटिफिक तरीका है जिसे मज़हब के नाम से दिया गया है ताकि इंसान उसका पालन करे। सैयद मुजफ्फर हुसैन द्वारा आज जिन लोगों को यहाँ पर दावत दी गई थी उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया, उनके मन में कहीं ना कहीं जो एक पहले की विचारधारा थी अब वो बदल चुकी है, ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है जो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी बताया। मीरा भाईंदर शहर में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी और मजबूत बनी रहे, खास इसी मकसद से इस कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया था सैयद मुजफ्फर हुसैन ने। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।